अल्लाह मिन शैतान रजीम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है आप सबका? आई एम श्योर आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज जो हम काम शुरू करने वाले हैं वो एक नया चैप्टर है और उस चैप्टर का नाम है रिवर्सिबल। रिवर्सिबल रिएक्शंस। अब रिवर्सिबल रिएक्शंस क्या होती हैं, कोई बता सकता है? जी जी कौन बता सकता है? कोई भी नहीं बता सकता, माशाल्लाह। जी तो रिवर्सिबल रिएक्शंस हैं, और रिवर्सिबल रिएक्शन पे हम ये कहते हैं, देखिएगा कि रिवर्सिबल रिएक्शन हम लिखते हैं कि रिवर्सिबल रिएक्शन इसको क्या हुआ है? आप देखें इसको ठीक है। रिएक्शन इज अ केमिकल, एक सेकेंड, रिवर्सिबल रिएक्शन इज अ केमिकल रिएक्शन। देखो नहीं चल रही, रिएक्टेंट्स फॉर्म प्रोडक्ट्स दैट इन टर्न रिएक्ट टुगेदर। देखो ये मैं कह रहा हूँ, लिख नहीं रहा ठीक, स्क्रिप्ट चेंज कर, टुगेदर टू गिव रिएक्टेंट्स बैक। ठीक है, ये लिखिएगा प्लीज जी, इसको प्लीज लिखें फिर मैं आप बताता हूँ। लिखने तो फिर बताना, ये पहली लाइन तो वही डेफिनेशन है जो भी आपको लिखवाई है, उसके बाद दूसरी वाली आप देखें कि एक एग्जाम्पल साथ दी है। इस एग्जाम्पल को आप कोशिश करें कि ये नहीं लिखना, सिर्फ पहली चीज लिखनी है ठीक है। जिसने लिख ली है तो ठीक है लिख ली, लेकिन ना लिखता तो क्या था भी? अगर आपने लिख लिया है तो ठीक है, कोई मसला, कोई कोई मसला, कोई मसला।
अच्छा जी, अब हम आगे चलते हैं और बात करते हैं कुछ दिन होते हैं बेटा ऐसे जो बड़े एक्सीडेंट प्रोन होते हैं। आज लगता है कि वो ही दिन। अच्छा, अगली चीज जो हमारे पास आती है वो डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या होता है वो है। अब मुझे बताएं कि डायनामिक इक्विलिब्रियम के बारे में अगर हम बात करें तो डायनामिक इक्विलिब्रियम ये होता है कि डायनामिक इक्विलिब्रियम वो एक सर्टेन इंस्टेंट होता है जहां पर द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड बैकवर्ड रिएक्शन आर इक्वल। ठीक है, रिएक्शन ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल्स टू रिएक्शन ऑफ बैक। ठीक है, और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स विल स्टे एग्जैक्टली द सेम। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, विल स्टे द सेम। ठीक है, जहां मर्जी हो कॉन्सेंट्रेशन वही रहे, और उसके बाद द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स विल रिमेन अनचेंज। ठीक है, ये एक ही पॉइंट हो गया। और तीसरा पॉइंट है कि इट कैन ओनली टेक प्लेस इन अ क्लोज कंटेनर। क्लोज कंटेनर क्या मतलब, ये कंटेनर है ऊपर से उसकी लिड होगी। ठीक है, तो वो एक क्लोज कंटेनर में होगा सिर्फ। अब आपके पास फॉर एग्जाम्पल व्हाइट बोर्ड पर वापस आते हैं, मैं ये कहता हूं कि देखो आपके पास एक रिएक्टेंट है, ठीक है, एक रिएक्टेंट था उसने एक प्रोडक्ट बना दिया। अब आपने ये कहा कि पोजीशन ऑफ सॉरी इक्विलिब्रियम की जो पोजीशन है वो राइट पर चली जाती है, सॉरी हाँ राइट ही होता है, इस साइड पर चली जाती है। तो इससे क्या होगा, प्रोडक्ट की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो प्रोडक्ट इंक्रीजेस। ठीक है, और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीज। ठीक हो गया, ये लिखना नहीं है, आपने सिर्फ ये नोट्स ये चीजें ये चीजें ये लिख लें। ठीक है, अच्छा जी, अब आगे आते हैं तो मैं तीन सिनेरियोज आपको वो दूंगा इधर, और उसमें तीन सिनेरियोज में आपने क्या कर, आपने पहला सिनेरियो जो है वो एक रिवर्सिबल रिएक्शन, ये इस रिवर्सिबल रिएक्शन में बेसिकली ये है कि बी की कॉन्सेंट्रेशन ए से ज्यादा है, तो ए से बी एक रिवर्सिबल रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, तो ये ग्राफ बन जाएगा, और अगर ए की कॉन्सेंट्रेशन बी से ज्यादा है तो ये ग्राफ बनेगा, और अगर ए की कॉन्सेंट्रेशन इक्वल टू बी है तो ये ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, अब इसमें डायनामिक इक्विलिब्रियम इधर अचीव होगा जब दोनों ग्राफ्स स्ट्रेट लाइन हो जाती है। ठीक है, ये डायनामिक इक्विलिब्रियम है, इधर ये डायनामिक इक्विलिब्रियम है। ठीक है, तो ये तीन ग्राफ्स भी आप देख सकते हैं। ठीक हो गया, अगली चीज जो आती है वो ली चैटलियर प्रिंसिपल है। ली चैटलियर प्रिंसिपल क्या कहता है कि वो ये कहता है कि एक सिस्टम है आपके पास इक्विलिब्रियम पे, लेकिन अगर आप उसकी कॉन्सेंट्रेशन टेम्परेचर प्रेशर चेंज करेंगे तो इक्विलिब्रियम जो होगा इट विल मूव टूवर्ड्स द डायरेक्शन
जो कि उसका इफेक्ट जो वो रिड्यूस करेगा। अब डायरेक्शन कौन सी होगी? डायरेक्शन जरूरी नहीं है कि फॉरवर्ड हो या बैकवर्ड, कोई भी हो सकती है, वो सिनेरियो पर डिपेंड करता है, और डिपेंड करता है रिएक्शन कौन सा हो रहा है। ठीक है, अब कुछ इसके आगे चीजें हैं, वो अब आप लिखिएगा। ठीक है, सबसे पहले ये लिखना, इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, ये पढ़िए और लिखिए। अगला देखिए, इफेक्ट ऑफ प्रेशर, लिखिए लिखिए, शाबाश, टाइम नहीं है, 4 बजे 3:30 हो गया, आधा घंटा और भी काम कर। ठीक है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर देखिए, जल्दी आपने लिखी, गुड हो गया। अब हम आगे आते हैं। अब जैसे कि हम वो वाला चैप्टर पढ़ रहे थे, रेट ऑफ रिएक्शन, उसमें हमने एक चीज की बात की थी और उसका नाम था कैटलिस्ट। ठीक है, कैटलिस्ट। हम कैटलिस्ट क्या कैटलिस्ट की अब हम आगे इधर बात जब करेंगे तो हेबर प्रोसेस, अब हम बात करने आए हैं इधर हेबर प्रोसेस की। ठीक है, अब हेबर प्रोसेस क्या है? हेबर प्रोसेस इज बेसिकली अ मेथड टू मेक अमोनिया, ठीक है, NH3। ठीक है, अब उसमें हम चंद बातें अमोनिया के बारे में अगर करें तो अमोनिया का क्या है, अमोनिया क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ अमोनिया की अगर हम देखें तो देखिए, अमोनिया हमें पता है इट इज अ कलरलेस गैस। ठीक है, इट इज लेस डेंस देन एयर, और वाटर में ये बहुत सॉल्यूबल है, इट इज वेरी सॉल्यूबल इन वाटर गिविंग एन एल्कलाइन सोल्यूशन। वाटर में इसको ऐड करें तो ये एल्कलाइन सोल्यूशन देगी। ठीक है, अच्छा, अब अमोनिया अगर हमने बनाना है तो उसके जो रिएक्टेंट्स हैं वो कहाँ से हैं? ठीक है, अगला सवाल ये, वेयर डू द रिएक्टेंट्स कम फ्रॉम? अमोनिया बनाना है, अमोनिया क्या होता है, NH3। ठीक है, अब NH3 है तो NH3 में क्या किया है, नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन है। अब नाइट्रोजन जो होगी वो कहाँ से आएगी, वो नाइट्रोजन रिएक्टेंट होगा ना, तो इट इज नाइट्रोजन जो होती है, इट इज ऑब्टेन बाय द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ लिक्विड एयर। ठीक है, और हाइड्रोजन गैस हम कैसे प्रोड्यूस करते हैं, जब हम मीथेन और स्टीम को रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन गैस बनती है।
ठीक है, क्या बनता है? एक तो नाइट्रोजन, ऑक्टेन, दी एयर, ठीक है, नाइट्रोजन ऑब्टेन फ्रॉम द एयर, और हाइड्रोजन प्रोड्यूस्ड बाय द फॉलोइंग रिएक्शन, कौन सा रिएक्शन? CH4 प्लस H2O गिव्स अस CO प्लस 3। हाँ जी, ये क्या चीज है? ये सर्कल जो है ये रिवर्सिबल रिएक्शन का साइन है। रिवर्सिबल रिएक्शन का जो सिंबल है वो ये है, ठीक है, बता देता हूँ। रिवर्सिबल रिएक्शन का जो सिंबल है वो ये है, ठीक है। हाँ जी, और प्लीज मोबाइल डेटा का नहीं है साइन, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। ठीक है, ये हो गया ना, ठीक ठीक हो गया। ये आपके पास आ गया रिवर्सिबल रिएक्शन का साइन, ये है, ठीक हो गया। अच्छा, तो हमने हाइड्रोजन प्रोड्यूस कर ली ऐसे। अब इक्वेशन जो है वो हेबर प्रोसेस की, वो क्या है? N2 प्लस 3 H2 टू 3, ठीक है, ये इक्वेशन है हेबर प्रोसेस की। और ये इक्वेशन हमें चंद इंफॉर्मेशन क्या देती है? वो ये इंफॉर्मेशन देती है कि जो रिएक्शन है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक्सोथर्मिक है। अब फॉरवर्ड रिएक्शन में एक्सोथर्मिक क्यों है? जी ठीक है, हो गया। उसके बाद अगली चीज वो ये बताती है, ये प्रोवाइड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, ये बातें मिली, ये फैक्ट्स हैं, अभी हमें पता है, ठीक है। वो ये है कि अमोनिया जब बनती है तो प्रेशर डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है, और अगर हमें अमोनिया की यील्ड मैक्सिमाइज करनी है तो हम क्या करेंगे? अभी बताते हैं। अगर हमें अमोनिया की यील्ड मैक्सिमाइज करनी है तो हम लो टेम्परेचर इस्तेमाल करेंगे और हाई प्रेशर इस्तेमाल, कैसे? पढ़ लीजिए, लिख लें।
अब हम आगे आते हैं और बात करते हैं अमोनिया के जो ये हेबर प्रोसेस है उसमें कंडीशंस क्या होती हैं। तो वो ये होती हैं, टेम्परेचर जो है इट इज मेंटेन्ड एट 450 डिग्री सेल्सियस। लिखते जाएं साथ साथ, चलो। ठीक है, टेम्परेचर इज मेंटेन्ड एट 450 डिग्री सेल्सियस। अ प्रेशर ऑफ 200 एटमोस्फेयर इज यूज्ड। अब ब्रैकेट में 200 के ऊपर लिखा हुआ है एटलीस्ट 150 atm। तो ये एक फेरी वो है कि आप 150 भी लिख सकते हैं और 200 भी लिख सकते हैं पेपर में, लेकिन जैसे कि मैंने इधर 200 लिखा है आपने 200 ही लिखना है। ठीक है, 150 नहीं लिखना, 200 लिखिएगा। ठीक है, अब क्या होगा कि प्रेशर अब इससे ज्यादा क्यों नहीं इस्तेमाल किया जा सकता। ठीक है, वो इसलिए नहीं इस्तेमाल किया जाता क्योंकि पैसे लगते हैं, कोई चीज दुनिया में मुफ्त नहीं आती, पैसे लगते हैं। और अगर हमें प्रेशर ज्यादा करना होगा या अगर हम प्रेशर ज्यादा करना होगा हमने, तो थिकर वॉल्ड पाइप्स हमें इस्तेमाल करने के लिए, स्ट्रॉन्गर वेसल्स हमें बनाने पड़ेंगे, जिसके लिए हमें जो कंस्ट्रक्शन ऑफ प्लांट है वो एक्सपेंसिव हो जाएगा। तो हम पैसे बचाते हैं तो हम इतना प्रेशर इस्तेमाल करते हैं। और कैटलिस्ट जो होगा वो फाइनली डिवाइडेड आयरन। ठीक है, ये प्लीज नोट कीजिएगा। अच्छा जी, अब बात ये आती है कि अमोनिया जो है वो इस्तेमाल किस चीजों के लिए होता है। तो मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइजर्स, मैन्युफैक्चर ऑफ नाइट्रिक एसिड। एक और चीज इधर नोट कर लें, मैन्युफैक्चर ऑफ एक्सप्लोसिव्स। ठीक है, अमोनिया इस्तेमाल होता है फर्टिलाइजर्स के लिए, नाइट्रिक एसिड बनाने के लिए, एक्सप्लोसिव्स बनाने के लिए। एक्सप्लोसिव्स के लिए भी होता है, आप अगर बाहर के मुल्क में रहते हैं कहीं और आपका जो नेबर है वो गोरा है, और अगर आप अपने लॉन के लिए अमोनिया मंगवा रहे हैं या अमोनियम कंपाउंड कोई मंगवा रहे हैं, तो ये ना हो तो प्लीज ये देख के कि वो कहीं डर के पुलिस को कॉल ना करते। ठीक है, तो ये गोरे होते हैं ना, डर भी बड़े जल्दी जाते हैं। ठीक है, अब हम अगली आते हैं और कांटेक्ट प्रोसेस की बात करते हैं। कांटेक्ट प्रोसेस क्या है? मैन्युफैक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। इसमें हमने सल्फ्यूरिक एसिड बनाना होता है। हेबर प्रोसेस में हम अमोनिया बनाते हैं, कॉन्टैक्ट प्रोसेस में हम सल्फ्यूरिक एसिड बनाते हैं। अब सीधे सीधे सिंपल सिंपल सी बातें करते जाते हैं आगे के जी। रॉ मटेरियल्स कहाँ से आते हैं, रॉ मटेरियल्स क्या होते हैं और कहाँ से आते हैं सल्फ्यूरिक एसिड बनाने के, सल्फर, एयर और वाटर, इसमें क्या यार। ठीक है, अब हम आगे आते हैं और बात करते हैं स्टेप्स क्या हैं। ठीक है, अच्छा जी, सबसे पहला स्टेप तो ये है कि जो सल्फर है ना,
पहला स्टेप भी है कि सल्फर इज बर्नड इन एयर टू फॉर्म सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। रिएक्शन ये हो गया, एस प्लस ओ टू गिव्स अस एसओ टू। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जो सल्फर डाइऑक्साइड होती है इट रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू गिव सल्फर ट्राइऑक्साइड। रिएक्शन एक्सोथर्मिक होता है और फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो गया, ये इसकी इक्वेशन होगी, ठीक है, अंडरस्टूड। अब ये होता है एसओ थ्री बन गया आपके पास सल्फर ट्राइऑक्साइड। अब ये रिएक्शन जो है इसमें हम ये कहते हैं कि फिर हम एक सेकेंड, हाँ जी, ये जो सिस्टम है ना बनाने, कॉन्टैक्ट प्रोसेस, इट इज सिमिलर टू मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया, हेंस सिमिलर कंडीशंस आर यूज्ड, ठीक है। लो टेम्परेचर, हाई प्रेशर, एक्सेस ऑक्सीजन, और कैटलिस्ट एस V2O5, ठीक है। जी सॉरी, तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया। अच्छा जी, बहरहाल ये हमने बात कर दी। अब अगली बात हम ये करते हैं कि एक्चुअल कंडीशंस जो इंडस्ट्री के अंदर इस्तेमाल होती हैं वो क्या है कॉन्टैक्ट प्रोसेस के लिए। वो ये हैं कि जो टेम्परेचर होता है इट इज केप्ट एट 450 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। प्रेशर इज केप्ट एट 2 to 3 एटमोसफेयर, ठीक है। और इधर वही बात आ जाती है कि हायर प्रेशर वुड ओनली इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ एस्टेब्लिशिंग एंड मेंटेनिंग द प्लांट्स, क्योंकि वही बड़े में थिकर वेसल्स चाहिए होंगे, थिकर पाइप्स चाहिए होंगे टू विदस्टैंड द हाई प्रेशर, ठीक है। और कैटलिस्ट जो होता है वो V2O5, ये V2O5 ऐसा टाइपिंग में लिखा हुआ है, आपने अब पता है ना कैसे लिखना है, ऐसे लिखना है, ये ना वो पेपर में आप ऐसे लिख के आगे V2O5 एग्जाम में कहेगा चवल, ठीक है ना, बोंगे, ऐसे लिखना है, ठीक है। ये बहुत सारी देर वो ऐसी हैं, वो ऐसे लिखी हैं, जैसे 2S2O2 ऐसे लिखा है, ये क्लास ओ टू नहीं है, ठीक है, ये ओ टू ऑक्सीजन है, आपने सही तरह लिखना है, गलती नहीं करनी, ठीक है। अब हम एक और बात ये करते हैं कि जो सल्फर ट्राइऑक्साइड होता है उसको हम डायरेक्टली पानी के अंदर मिला के H2SO4 क्यों नहीं बना लेते हैं? हम इतने पागल क्यों हैं? तो हम ये कहते हैं कि जी हम बिल्कुल भी पागल नहीं। होता ये है कि जब हम सल्फर ट्राइऑक्साइड को पानी के अंदर डायरेक्टली ऐड करेंगे तो एक जो रिएक्शन है वो बहुत एक्सोथर्मिक है, और जो हीट बन जाएगी उससे वो इतनी डेंजरस हो सकती है कि धमाके हो सकते हैं और सेफ्टी हैजर्ड क्रिएट हो सकते हैं। तो हम ये करते हैं कि हम SO3 को सल्फ्यूरिक एसिड में डालते हैं और H2S2O7 बनाते हैं। H2S2O7 को हम ओलियम कहते हैं, ठीक है, सही तरह लिख के इक्वेशन लिख देता हूँ, H2S2O4 H2S2O7, ठीक है। फिर H2S2O7 को हम पानी में डाल के सल्फ्यूरिक एसिड बना देते हैं, ठीक हो गया। अब प्यारे बच्चों ये मेरी बात याद रखें कि आपको ये पूछे जाएंगे क्वेश्चंस एग्जाम में, पूरे पूरे सेल्फ कॉन्टैक्ट प्रोसेस के सारा ये बताना होगा आपको कि भाई कंडीशंस ये इस्तेमाल होती हैं। हम पहले SO S+O2 होता है कि ये कि पहले S+O2 SO2 बना, फिर 2SO2+O2, फिर ये डाला, फिर आपने ये लिखना है कि SO, फिर ये बात करनी है कि हाईली एक्सोथर्मिक है तो हम SO3 को डायरेक्टली वाटर में इसलिए नहीं ऐड करते क्योंकि हाईली एक्सोथर्मिक है, सेफ्टी हैजर्ड हो जाएगा, इसलिए हम SO3 को H2SO4 में ऐड करके ओलियम बनाते हैं, फिर ओलियम में पानी ऐड करके H2SO4 बनाते हैं। ये आपने सारी कहानियां लिखनी है, और जब भी कॉन्टैक्ट प्रोसेस, हेबर प्रोसेस का क्वेश्चन आएगा आपने रिएक्शन कंडीशंस लाजमी लिखनी
हैं, भूलना नहीं है। हाँ जी, यूजेज ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड क्या, प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर्स, मैन्युफैक्चर ऑफ सोप्स, डिटर्जेंट्स, ड्रग्स, पेंट्स, डाइज, आर्टिफिशियल सिल्क लाइक रेयॉन और एसएन इलेक्ट्रोलाइट इस्तेमाल की जाती है। ठीक है, आखिरी चीज जो हम बात करते हैं वो ये है कि सिमिलैरिटीज क्या है हेबर प्रोसेस और कॉन्टैक्ट प्रोसेस में। तो सिमिलैरिटीज ये है कि हाई यील्ड इज फेवरेबल बाय हायर प्रेशर, रिएक्शन रिडॉक्स होता है, फॉरवर्ड रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक हो गया, दैट इज इट फॉर दिस लेक्चर। रिवर्सिबल रिएक्शंस इधर खत्म होता है। आपके साथ अगले लेक्चर में मुलाकात होगी, तब तक अपना और अपने गिर्दो नवा के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू एंड वेरी मच, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, और हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट को भी आप फॉलो कर सकते हैं टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स। थैंक यू एंड अल्लाह।